आजकल बहुत से किसान भाई परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर जा रहे, जैसे पपीता, आम, संतरा, सेब फल, चीकू, केला और भी अनेक फल। इन्हीं में से अमरूद भी बागवानी का एक अच्छा विकल्प है। अगर आप भी अमरूद की खेती करने का सोच रहे हैं या फिर अमरूद की खेती करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अमरूद की खेती किसान भाइयों के लिए कितने फायदे का सौदा है। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। हम इस वीडियो में एक एकड़ अमरूद की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ ही वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि अमरूद की टॉप 5 किस्में कौन सी है जिन्हें लगाकर आप अमरूद की फसल से अच्छा उत्पादन भी ले सकते वह भी लंबे समय। अब यह टॉप 5 किस्में कौन सी है यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। एक एकड़ अमरूद की खेती में कितनी लागत आती है? अगर आप अमरूद के पौधों का ट्रांसप्लांट 12x8 फीट का ग्राफ लेकर करते हैं, यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 12 फीट और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 8 फीट लेते हैं, तो इस तरह एक एकड़ में कुल 450 पौधे लगेंगे। वह अमरूद की ज्यादातर किस्म के एक पौधे का मूल्य हमें 50 रुपये से 70 रुपये के बीच में देखने को मिलता है। हम 70 रुपये लेते हैं। इस तरह एक एकड़ अमरूद की खेती में हमारा पौधारोपण का खर्च आएगा 31,500 रुपये। अगर आप VNR भी इस किस्म के पौधों का चुनाव करते हैं तो इसके एक पौधे का मूल्य हमें 170 रुपये के आसपास पड़ता है। इस तरह हमारा VNR किस्म के पौधों का पौधारोपण करने पर एक एकड़ अमरूद की खेती में हमारी लागत आएगी 76,500 रुपये। इस तरह जब आप VNR भी इस किस्म के पौधों का पौधारोपण करते हैं तो आपका खर्च पौधारोपण का ज्यादा आता है। खेत में पौधारोपण करने के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 2,000 रुपये। अमरूद के एक पौधे को पहले साल 3 किलो से लेकर 7 किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट खाद लगेगा। हम इन दोनों का एवरेज 5 किलो पर पौधे वर्मी कंपोस्ट खाद लेते हैं। हमने एक एकड़ में कुल 450 पौधे लगाए थे। इस तरह हमारा एक एकड़ में कुल 22 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद लगेगा। एक क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद 600 रुपये के आसपास आता है। इस तरह हमारा एक एकड़ अमरूद की खेती में पहले साल वर्मी कंपोस्ट खाद का खर्च आएगा 13,200 रुपये। अमरूद की फसल में फंगस जनित रोग और अन्य कई कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीट व रोग से बचाने के लिए हम फसल पर स्प्रे करते हैं जिसका हमारा खर्च आएगा 5,500 रुपये। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपये। बेड मेकर का हमारा खर्च आएगा 800 रुपये। इस तरह पहले साल एक एकड़ अमरूद की खेती में हमारी लागत आएगी 57,200 रुपये। दूसरे साल अमरूद की खेती में हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद का खर्च आएगा 10,000 रुपये व हमारा स्प्रे की लागत आएगी 5,000 रुपये। फ्रूट कवर का हमारा खर्च आएगा 3,500 रुपये। फ्रूट कवर हमारे फल को रगड़ से बचाएगा, फल मक्खी के अटैक से बचाएगा, साथ ही साथ इसमें हमारे फल का कलर भी काफी अच्छे से डेवलप्ड होता है। फ्रूट कवर लगाने के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 12,000 रुपये। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4,000 रुपये व हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी जिसका हमारा खर्च आएगा 8,000 रुपये। तीसरे साल से आने वाले कई सालों तक एक एकड़ अमरूद की खेती में आने वाली हमारी लागत 45,000 से 50,000 के बीच में ही रहेगी। इस तरह एक एकड़ अमरूद की खेती में पहले साल हमारी लागत आई 57,200 रुपये, दूसरे साल हमारी लागत आई 42,500 रुपये, तीसरे व चौथे साल
हमारी लागत आई 50,000 रुपये। लागत निकालने के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ अमरूद की खेती में कितना उत्पादन होता है? ग्राफ्टेड अमरूद के पौधे से हमें पहले साल से ही उत्पादन मिलने लगता है, पर अगर आप अमरूद की फसल से लंबे समय तक और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप पहले साल उत्पादन ना लें। आप पहले साल अमरूद के पौधे में 3G कटिंग के माध्यम से नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ाएं। जैसे जैसे आप शाखाएं बढ़ाएंगे और अमरूद के पौधे की हाइट बढ़ाने के बजाय आप अमरूद की शाखाओं को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दें। शाखाएं बढ़ने के कारण आपको दूसरे साल एक पौधे से 20 किलो के आसपास तक उत्पादन देखने को मिलेगा। हमने 1 एकड़ में कुल 450 पौधे बोए थे। 50 पौधे हमारे किन्हीं कारणवश मर जाते हैं, फिर भी हमारे पास में 400 स्वस्थ पौधे रहेंगे। इस तरह 1 एकड़ अमरूद की खेती से दूसरे साल हमारा उत्पादन हुआ 80 क्विंटल। तीसरे साल हमें एक पौधे से 25 किलो के आसपास तक उत्पादन देखने को मिलता है। इस तरह हमारा तीसरे साल उत्पादन हुआ 100 क्विंटल। चौथे साल हमें एक पौधे से 30 किलो के आसपास तक उत्पादन देखने को मिलता है। इस तरह हमारा चौथे साल अमरूद की खेती से उत्पादन हुआ 120 क्विंटल। चौथे साल से आने वाले कई सालों तक आपको अमरूद की फसल से 1 एकड़ से 120 क्विंटल से ज्यादा ही उत्पादन देखने को मिलेगा। लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। अमरूद की खेती का सही समय क्या है? अमरूद के पौधों का ट्रांसप्लांट आप मानसून के सीजन में कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने अमरूद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अगर आप इन 3 महीनों के अंदर अंदर अमरूद के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको अमरूद के पौधे से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके अमरूद के पौधे स्वस्थ भी रहेंगे। यानी कि आप अमरूद के पौधों का ट्रांसप्लांट जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में कर सकते हैं। लागत उत्पादन समय के बाद में आते हैं हमारे चौथे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आमदनी। 1 एकड़ अमरूद की खेती से कितनी आमदनी होती? अगर आप अमरूद को अपने आसपास के ही किसी लोकल मार्केट पे बेचते हैं तो अमरूद का भाव आपको 20 रुपये से 30 रुपये किलो के आसपास तक देखने को मिलेगा। हम मिनिमम 20 रुपये लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 80 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 20 रुपये। इस तरह हमारी दूसरे साल अमरूद की खेती से आमदनी हुई 1,60,000 रुपये। तीसरे साल हमारा अमरूद की खेती से उत्पादन हुआ था 100 क्विंटल और हमने 1 किलो का भाव लिया है 20 रुपये। इस तरह तीसरे साल अमरूद की खेती से हमारी आमदनी हुई 2,00,000 रुपये। चौथे साल हमारा अमरूद की फसल से उत्पादन हुआ था 120 क्विंटल और हमने भाव लिया है 20 रुपये। इस तरह चौथे साल अमरूद की खेती से हमारी आमदनी हुई 2,40,000 रुपये। अब आते हैं हमारे प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा या हमारा प्रॉफिट है। हमारी दूसरे साल आमदनी हुई थी 1,60,000 रुपये और हमारी 2 सालों की कुल लागत आई थी 99,700 रुपये। इस तरह हमारा दूसरे साल प्रॉफिट रहा 60,300 रुपये। तीसरे साल से हमें अमरूद की फसल से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है क्योंकि तीसरे साल हमारी आमदनी हुई थी 2,00,000 रुपये और लागत आई थी 50,000 रुपये। इस तरह तीसरे साल हमारा प्रॉफिट हुआ 1,50,000 रुपये। चौथे साल हमारी आमदनी हुई थी 2,40,000 रुपये और लागत हमारी 50,000 ही आई थी। इस तरह चौथे साल हमारा प्रॉफिट रहा 1,90,000 रुपये। इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि अमरूद की फसल से हमें कितना उत्पादन देखने को मिलता है, हमारी कितनी आमदनी होती है और हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे टारगेट को कम्प्लीट करें। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय।